और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, यानी इस वक्त की टॉप 10 ब्रेकिंग्स कौन सी हैं, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर पैसिफिक में मची हुई हलचल को लेकर हड़कंप मचाने वाली खबर। पैसिफिक से गुआम बेस पर अमेरिकी बॉम्बर्स का एक्शन देखने को मिला है। नेवी बेस पर अमेरिका ने 4 परमाणु बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। और बड़ी खबर, कमांड पोस्ट पर अब तबाही से पुतिन भड़क गए हैं। S-400 फेल होने पर अब रूसी राष्ट्रपति गुस्से में हैं। यूरोप से अमेरिका तक फैला है एटमी अटैक का खौफ। एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, ताइवान पर अमेरिका को चीन की बहुत बड़ी धमकी। वन चाइना पॉलिसी को छेड़ा तो तूफान आ जाएगा। अगली बड़ी खबर, 14 जुलाई को क्वाड 2.0 का मंथन। 12 U2 ग्रुप की पहली वर्चुअल समिट दरअसल होने जा रही है। इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई की रणनीतिक साझेदारी इस मीटिंग के दौरान नजर आएगी। और 14 जुलाई को इजराइल जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ईरान पर फोकस बातचीत में रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी में यह ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने का आखिरी मौका है। इस बीच चीन के बेड़े में अब शामिल हो चुका है सबसे बड़ा पेट्रोलिंग जहाज। बड़ी खबर यह है कि ताइवान स्ट्रेट में अब दिखेगा ज़ाइहू 06 का एक्शन। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई है नीदरलैंड के पीएम मार्क रट की। हर तरीके से यूक्रेन के साथ होने का भरोसा दिया गया है इस मुलाकात में। और यूक्रेन में जंग के मैदान से एक बड़ी खबर सामने आई है, 7,000 से ज्यादा यूक्रेनी जवानों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। 7,000 जवान गायब हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही। और वहीं जर्मनी में ईंधन को लेकर टेंशन बढ़ती जा रही है। रूसी गैस की सप्लाई रुकने के बाद जर्मनी में ईंधन को लेकर तनाव बढ़ा है। जर्मनी में एनर्जी संकट पर सेकेंड लेवल का अलर्ट जारी। और रूसी हमले के खतरे पर अब लातविया सरकार का भी बड़ा फैसला सामने आ चुका है। नागरिकों के लिए आर्मी में अब सेवा फिर से अनिवार्य करने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें 2007 की मिलिट्री पॉलिसी में अनिवार्यता खत्म की गई थी।